अब सिसोदिया को बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की बयानबाजी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मनीष सिसोदिया को सिर्फ बेल मिली है, अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया ने शराब घोटाले में कमीशन लिया है और इसका फैसला जनता की अदालत में होगा। आम आदमी पार्टी के जो नेता सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, जरा पिछले हफ्ते के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अपने किए हुए वक्तव्य को पढ़ लें। कैसी बौखलाहट थी, किस तरह का उनका व्यवहार था। लेकिन हम ये जानते हैं कि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, और किसी भी अपराधी को बेल मिलना वो अपराध मुक्त होना नहीं होता है। जांच अभी चल रही है, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या बाकी लोग हो, इन सब ने शराब नीति घोटाले में कमीशन खाई है, दलाली खाई है, और ये फैसला जनता की अदालत में सबके सामने होगा।